बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं मटन पालक गोश्त, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मटन में बना रही हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। गोश्त मैंने लिया है आधा किलो मटन का। एक प्याज लिए मैंने दरमियानी, इसको रफ़ चॉप कर लिया है। चार टमाटर लिए हैं, इसको भी किसी तरीके से भी छोटा मोटा काट लें। और अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून, और पिसा हुआ धनिया है 1 टी स्पून, लाल मिर्चें हैं 1 टी स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून, नमक हसबे ज़रूरत, और थोड़ी सी अजवाइन है। नमक पालक में भी होती है, इसलिए हम नमक को थोड़ा कम ही डालेंगे। और 1.5 से 1.5 गड्डी मैंने पालक की ली है, और पानी है, और ऑयल मेरा सरसों का है। आप जो किसी भी वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपना ये जो गोश्त है ये डालेंगे। टमाटर डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मसाले जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ये सारे जाएंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी जाएगा, अभी थोड़ा सा डालेंगे। और ऑयल हमारा जाएगा कम से कम आधी प्याली। मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। अब ये आपके गोश्त पे डिपेंड करता है, अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो 1 कप पानी जाएगा। मैं मटन में बना रही हूँ तो मटन थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने तकरीबन ये वाला 1 कप पानी डालेंगे। ठीक है, मैंने इतना ये पानी डाला है इसमें। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो 1 प्याली पानी जाएगा, और अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो फिर भी इतना ही पानी जाएगा जितना मटन में डाला है मैंने। ये आपके गोश्त पे है कि किस तरह आपका गोश्त कितनी जल्दी गलता है। अब इसके बाद इस तरह हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, बहुत आसान तरीका है। प्याज टमाटर सब चीज़ें डाल दी हैं, पानी भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है। इसको हम ढक देंगे और तकरीबन 30 मिनट तक, आधे घंटे तक इसको दरमियानी आँच पे हम पकाएंगे। जितनी देर ये हमारा गोश्त गलेगा इतनी देर मैं अपनी पालक काट लूँगी, फिर हम आपसे आधे घंटे बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बस हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है, सारी चीज़ें हमारी अच्छे से गल गई हैं। देखें गोश्त भी बिल्कुल गल गया है। बाकी पालक का तो आपको पता ही है, जब पालक गलती है तो पालक भी गोश्त को गलाती है। बस अब इसमें इतना ही ये पानी है, तकरीबन 1 गिलास पानी है। पालक देखें मैंने काट ली है बहुत अच्छे से, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसको आप बहुत अच्छे से वॉश करें 2-3 दफ़ा पानी से। इसको मैंने वॉश कर लिया है। और पालक आपको पता है थोड़ा सा गोश्त में कसर है, वो आप पालक भी आपको पता है गोश्त गलाती है, तो इसलिए अब हम ये इसमें हम ये पालक डालेंगे। पालक डालने के बाद हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसलिए कि ये पालक ही इतना पानी छोड़ेगी कि हमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने बस इसके जब पालक हमारी बिल्कुल नरम हो जाएगी तो हमने इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है, बहुत अच्छे तरीके से। ये अभी आपको लग रहा है भरी हुई, अभी आप 2 मिनट बाद ढकना ढकेंगे, आप 10 मिनट में आप देखिएगा आपकी पालक नीचे बैठ जाएगी। ये मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, ये भी डाल दी हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बल्कि मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस 5 मिनट ढकना ढकते हैं, उसके बाद ये खुद ब खुद नीचे जब बैठ जाएगी फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें बस हमने जो पालक डाला था उसने अपना पानी छोड़ दिया। आँच हमने अब बिल्कुल फुल कर देनी है, फुल आँच पे हमने इसका पानी खुश करना है, फिर हम इसको भूनेंगे थोड़ा सा, बस फिर हमारा पालक गोश्त तैयार है। अभी आँच फुल कर दिए ताकि पानी जल्दी से हमारा सूख जाए। रख मानी रही, ये देखें ये बस तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको रखा था, 10 मिनट के बाद ये ऑयल ऊपर आ गया और हमारा पालक गोश्त तैयार है। इसको तकरीबन जब आपका पानी खुश्क हो जाए इसको अच्छे से भूनिएगा आप। इसको भूनने के बाद इसकी ये शक्ल आएगी, ऑयल आ जाएगा ऊपर। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी पालक गोश्त तैयार किया है हमने। व्यूअर्स हमारा पालक गोश्त तैयार है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। इसको पराठों के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ। और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।